अपना मतलब मैं कुछ विषय जरूर सदन के सामने रखना चाहूंगा। बहुत ही एक हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हरियाणा को 14 दिसंबर 2023 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स इसमें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार और ये दिया है। मैं पावर डिपार्टमेंट के सब लोगों को बहुत इसी प्रकार हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS इस प्रणाली रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। फरवरी माह में 99.99 अंक के साथ हरियाणा पुलिस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसलिए पुलिस विभाग को भी मैं इसके लिए बधाई देता हूं। अभी तक जिन विषयों पर जीरो आवर में कुछ विषय उठाए गए, कुछ तो मैंने कल बताए थे, आज भी कुछ जो जानकारियां विभागों से मिली हैं, नहीं उसके बाद फिर करेंगे, अभी तो जो पहले अभी तक हुआ है उसकी कुछ जानकारियां मैं देता हूं। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन नहीं, बहुत कम है, ज्यादा नहीं। हायर एजुकेशन में कुछ सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने जो विषय रखे हैं उसमें खास करके पीलूखेड़ा का जो गर्ल्स कॉलेज, हमारे सुभाष गांगुली जी ने ये विषय रखा था, तो उसमें 8 एकड़ जमीन भवन के लिए गांव जामनी में ये दे दी गई है। ड्राइंग तैयार होकर के एस्टीमेट तैयार हो गया है, 29.51 करोड़ रुपए की लागत उस पर आएगी। इसका बजट शीघ्र वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा और शीघ्र इसका निर्माण ये शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार श्री बलबीर सिंह जी ने इसराणा में नया राजकीय महाविद्यालय बनाने की बात जो कही थी उस पर भी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको नए भवन के लिए, इसका भवन नया बनना है, इस भवन को 12 मई 2022 को 27.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति ये जारी कर दी गई है। PWD द्वारा भवन निर्माण का कार्य ये बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड के नाते से एक विषय, थोड़ा सब्जी मंडी के हमारे जो आड़ती हैं उनके अंदर एक मैसेज हो गया है, वो थोड़ा लैंग्वेज की गलती के कारण से वो गया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक डेपुटेशन के माध्यम से मांग की थी कि जो 1% मार्केट फीस और 1% HRDF, ये लगता है इससे, क्योंकि उनका काम बहुत ही इस प्रकार का है कि इंस्पेक्टर्स बार बार जो आते जाते तंग करते हैं, तो सुझाव उनका था कि इस पर लमसम साल में एक बार फीस ले ली जाए ताकि हमारे यहाँ इंस्पेक्टर आज खत्म हो जाए। हमने इसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद एक पत्र निकाल दिया गया था, जो पिछले वर्ष का उनकी जितनी असेसमेंट हुई थी उतना ही राशि लमसम वो जमा करा दे, और साथ में ये लिख दिया कि हर साल 10% राशि जो है वो बढ़ेगी। तो 10% उन्होंने ये समझ लिया कि जितनी सब्जी की कीमत है उसका 10% वास्तव में वो नहीं है, 10% जो पिछला टैक्स यानी जो राशि टैक्स की बनी है उसका 10%, अर्थात कुल मिलाकर के वर्तमान का हिसाब लगाएं तो 1% की बजाय 1.1 हो जाएगा, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि 10% बिक्री हर एक की आगे बढ़ेगी, 10% बिक्री बढ़ने पर ही वो 10% उसका जो टैक्स का राशि बढ़ाई गई है, और अगर किसी को लगता है कि उसका जो बिक्री है वो 10% नहीं बढ़ी है उस रेट से, तो अपील भी कर सकता है, अपील करके अगर कम भी होती है तो कम की जाएगी, लेकिन एक फार्मूला रखा गया कि हर वर्ष हर एक दुकानदार की बिक्री 10% बढ़ती है, इसलिए जो राशि इस समय उसकी तय की गई है उसका 10% वार्षिक बढ़ना है, तो भी उन लोगों से बातचीत करके और एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर के हम स्पष्ट कर देंगे। नहीं इसमें नहीं बढ़े तो अपील करेगा तो कम करना, इसमें एक मेरा मुख्यमंत्री जी एक और था, हाँ। जो आदेश हुआ है उसमें की है कि पिछले साल से अब की बार 40% बढ़ाया एक बार, वो जरा देख लें कि 40% इसमें तो 2 साल के लिए फ्रीज कर दिया है, जो इस साल हुआ है, पिछले साल हुआ है, इस साल हुआ, उसको 2 साल तक नहीं बढ़ाएंगे, मार्च 2025 के बाद ये लागू होगा। वो जो उनको मैसेज है वो 40% बढ़ाने का बुला लिया हमने, ये स्पष्ट किया है मैंने, ये 10% पहले तो 10% की कीमत पर नहीं, उसका जो टैक्स दे रहा है उसका 10% बढ़ेगा, तो ये एक स्पष्टीकरण हमारे सदस्य श्री विनोद घाणा जी ने ये विषय उठाया था इसलिए मैंने बताया है। सड़कों के विषय काफी विषय आए हैं कल, तो मैं इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि हमने पिछले टर्म में, स्वाभाविक है कि सड़कें वर्षों पहले बनी नहीं थी, नई सड़कें काफी बनी थी और सारा बजट लगभग हमारा नई सड़कों में पिछले टर्म में लगा था उनका, क्योंकि 5 साल में लगभग DLP रेट समाप्त होता DLP, तो अब वो सब की सब रिपेयर एक साथ जब मांगी गई है तो रिपेयर का दबाव बहुत आया। हमने उसमें पहले भी
एक किस्त में 25-25 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा में काम कराया था, बाद में फिर कहा कि जो कोई और सड़कों की आवश्यकता जिसकी रिपेयर की है उनका 25 करोड़ तक और करेंगे, तो बजट के हिसाब से जितना बजट था वो यही है। नई सड़कें इस बार हमने रोकी है कि नई सड़क निर्माण वो नहीं कराएंगे, सबसे पहले जो प्रेजेंट में रिपेयर करनी है सब रिपेयर कराएंगे, दूसरे चरण में जिनका चौड़ीकरण करना है, जिन सड़कों का वाइडनिंग करनी है या स्ट्रेंथनिंग करनी है वो होगा, और फिर उसके बाद अगर आवश्यकता यानी बहुत अधिक होती है जिन सड़कों के जहाँ ट्रैफिक लोड बढ़ता है, अब इतना जितना मैं उत्तर दे रहा हूँ उतना ही है, उससे ज्यादा कोई मिलेगा नहीं, बट वो अलग से, हाँ वो अलग से, फ्लड के लिए अलग से हमने और सूची मांगी है कि जो फ्लड के समय जो सड़कें टूटी हैं उसकी रिपेयर वो प्राथमिकता पर कराई जाएगी। नहीं वो लगातार चल रहा है, फिर भी जो रह गई हैं, हाँ रिपेयर की सड़कें सभी कराई जाएंगी, रिपेयर की सड़कें सब कराई जाएंगी, डिपार्टमेंट को भेजिए आप, उनके पास सारी लिस्ट है, बल्कि उनके एक वेबसाइट पर हर एक सड़क का स्टेटस लिखा हुआ है, आप वेबसाइट निकालिए उस पर देखिए, सड़क का नंबर देखिए और उस सड़क की स्थिति कब बनी थी, कब उसका डीएलपी समाप्त हुआ है और अब उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है, और उसके बाद भी अगर उससे संतुष्टि नहीं है तो लिख के देंगे तो उसको हम जरूर चेक कराएंगे। स्पोर्ट्स के नाते कुछ सदस्यों ने, श्री बलबीर सिंह जी ने जो उनके कार्यक्षेत्र में मेडलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी का गांव खंडरा, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की घोषणा मैंने स्वयं की थी, तो वहां जमीन पर जो दो हिस्से वहां जमीन के हैं, 50 एकड़ पंचायती लैंड है, 15 एकड़ है, तो गांव के लोगों की इच्छा है कि 15 एकड़ पर वो जमीन, वो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनना चाहिए, लेकिन उस 15 एकड़ पर कोई केस आपस में गांव के विवाद के कारण से न्यायालय में है, तो अब रेवेन्यू कोर्ट में ही, तो रेवेन्यू कोर्ट में हम उसका जल्दी फैसला करा करके, हालांकि जिन्होंने केस किया उन्होंने वर्बली मान भी लिया है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे और बहुत जल्दी उस 15 एकड़ के ऊपर ही जो गांव के लोगों की इच्छा है। सारे हमारे ध्यान में है, देखिए अब बहुत विषय आए हैं, एक एक का जवाब नहीं, जो मेरे पास उत्तर बन के आ गए हैं, बट जो उत्तर आ गए हैं वो बता रहा हूं, हर एक का संभव नहीं है जवाब देना, तो उसका अलग से जैसे जवाब आएगा आपको भेज दिया जाएगा, अभी जो मेरे पास जवाब आया है मैं दे रहा हूं बट। अरे नहीं, इस समय मेरे पास जवाब है, मैं क्या करूंगा, आखिर डिपार्टमेंट से जवाब लिख के आते हैं, वो जितना आ गया मैं आपको दे रहा हूं, अभी शाम तक और आप बोलेंगे, कोई ऐसा तो नहीं हाथ हाथ आएगा, जवाब आपको सब साफ भेजे जाएंगे, सब जवाब भेजे जाएंगे। ऐसा ही एक अटेली कॉलेज का ऑडिटोरियम, सीताराम यादव जी ने विषय रखा है, वो भी 8 जनवरी 2019 को 6,70,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत जारी कर दी गई है, जिसका निर्माण 36% कार्य हो चुका है, 30 अप्रैल 2024 तक ये कार्य जो है पूरा हो जाएगा। फिरोजपुर झिरका के अस्पताल में सीआर मशीन, इसकी एक शिकायत है, तो ऐसी ममन खान ने जो शिकायत रखी है, इसमें भी उस मशीन का जो सीआर मशीन की बात कही गई है, खरीद हेतु इंडन हरियाणा मेडिकल सर्विस कारपोरेशन लिमिटेड के पास भेजा जा चुका है और खरीद की प्रक्रिया ये भी हाई पावर परचेज कमेटी के समक्ष ये अभी उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, बहुत जल्दी स्वास्थ्य संस्था इस मशीन को खरीद करके वहां उपलब्ध करा देंगे। बल्लभगढ़ में श्री नरेंद्र गुप्ता जी ने ये विषय रखा है, उसमें भी दो जानकारियां हैं, सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में एक पॉलीक्लिनिक का निर्माण HSBP द्वारा करवाया जा रहा है, 7,13,00,000 रुपए की लागत आएगी और उसका फाउंडेशन का काम वो चल रहा है। सेक्टर 7 फरीदाबाद में CMO कार्यालय का निर्माण 41,79,00,000 रुपए का एस्टीमेट तैयार किया जा चुका है, निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। चिरंजीव राव इन्होंने विषय रखा था कि रेवाड़ी में 200 बिस्तर का अस्पताल, 150 बिस्तर अस्पताल भी काम चल उस पर काम वहां बना हुआ है, 200 बिस्तर अस्पताल के रूप में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जगह के अभाव के कारण वर्तमान अस्पताल परिसर में अन्य 50 बिस्तर के विस्तार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए गोकलगढ़ गांव में 50 बिस्तरीय परिसर के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है, जल्द ही पंचायत के साथ मिलकर आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी। इसी प्रकार अभी एक कार्यक्रम देशभर में चलाया गया, आजादी का अमृत महोत्सव, उस आजादी के अमृत महोत्सव में भी जो अभी कुछ 2 महीने पहले समाप्त हुआ है,
तो वहां की जानकारी मिली है कि शहीदों की याद में चलाए गए इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरियाणा स्टेट को बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का ये अवार्ड दिया गया है। 31,000 इवेंट्स इस कार्यक्रम की हरियाणा में ये हुई है। ऐसे ही हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जहां रेलवे विद्युतीकरण इसका 100% कार्य हो चुका है। अब रेलवे विद्युतीकरण की कोई लाइन ऐसी नहीं है जिसमें विद्युतीकरण जिसका न हुआ हो, तो 100% यानी ये कार्य करने वाला हरियाणा जो है ये पहला प्रदेश ये बन गया है। 2015-16 में हरियाणा में गरीबी दर ये 11.88% ये आंकी गई थी, उसके मुकाबले में अभी 2019-21 का जो एक आंकड़ा आया है वो 7.07%, अर्थात 4.5% से ऊपर ये आंकड़ा कम हो गया है। और एक रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 14,29,341 लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए, अर्थात उससे ऊपर हो गए हैं। तो इस प्रकार की एक महत्वाकांक्षी एक रिजल्ट जो है हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम हालांकि प्रदेश में गरीबी रेखा जो सारे देश में कहीं नहीं है, इसका जो आर्थिक मापदंड बदल करके जो सारे देश में इस समय 1,20,000 रुपया है, हमने हरियाणा में उसको 1,80,000 रुपया किया है। अर्थात अगले 60,000 रुपए की इनकम वाले लोग भी वो गरीबी रेखा में ला करके हमने जो उसके राशन भी बढ़ाए हैं, आयुष्मान कार्ड भी बढ़ाए हैं, हालांकि केंद्र में अभी 1,20,000 के ही आंकड़े को मान्यता मिल रही है। हमने 1,80,000 तक जो और परिवार जुड़े हैं उसका, चाहे आयुष्मान भारत का विषय हो, चाहे राशन का विषय हो, चाहे बाकी विषय हो, वो हरियाणा सरकार अपने बजट से करेगी, इस प्रकार का हमने प्रावधान किया है। धन्यवाद।